साइंस का थर्ड चैप्टर है बच्चे। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। आप जो भी क्लोथ्स पहनते हो, जो भी आप क्लोथ्स पहनते हो वो किस किस मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है, कैसे वो बनते हैं। जैसे वूल हो गया जो आप विंटर्स में पहनते हो, ठीक है, वो वूलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, ये सारे कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने सिक्स क्लास में भी ये चैप्टर किया है, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, ये चैप्टर था आपका सिक्स क्लास में। वही चीज़ है इस चैप्टर में भी, जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जो कॉटन और जूट फाइबर्स ये कहाँ कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं। हाँ जी रोहित, हाँ जी बच्चे रोहित, एक मिनट, हाँ जी जशनदीप सिंह, वन सेकंड बच्चे, जशनदीप, हाँ जी जशनदीप मैम, हाँ जी मैम हमारा सेकंड चैप्टर रह गया था बच्चे, आपका सेकंड चैप्टर की रीडिंग तो हो गई है, वो आपने फेयर नोटबुक्स पे करना है। यस मैम, फेयर नोटबुक्स पे आपकी डेफिनेशंस भी हो चुकी हैं उसकी, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क रह गया है, वो आज आपको सेंड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है मैम। डेफिनेशन से भेज दोगे आज, डेफिनेशन से साथ भेज दोगे बच्चे आपको ग्रुप में, देखना आपको फ्राइडे को जब आपकी क्लास लगी थी ना साइंस की, या फिर आप ऐसे करना, यस आप पर्सनली मैसेज कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे जो आपको साइंस का जिस नंबर से आता है ना आपको साइंस का काम, ठीक है, उस नंबर पे आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है, वो टीचर आपको सेंड कर देंगे अगर आपका काम रहता है। ओके मैम, हाँ जी हाँ जी। देखो मटेरियल्स ऑफ डेली यूज आप पढ़ते थे कि सिक्स क्लास में भी पढ़ा था आपने कि जैसे कॉटन फाइबर्स हैं, वूल है, ठीक है, ये सारे कहाँ कहाँ से मिलते हैं। फाइबर होता क्या है बच्चे, जिस चीज़ से आपका कोई भी क्लोथ्स बने होते हैं, ठीक है, धागा जैसे आप बोलते हो थ्रेड, वो होता है आपका फाइबर, ठीक है। वो मिलते कहाँ से हैं, जैसे एक होता है वूल फाइबर, ठीक है, एक होता है कॉटन का फाइबर होता है, कुछ फाइबर्स आपको प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है, कुछ आपको एनिमल्स से मिलते हैं, मतलब उनके जो हेयर होते हैं ना एनिमल्स के, ठीक है, उससे फाइबर्स बनाए जाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये तीन तरह के फाइबर्स होते हैं, जैसे प्लांट फाइबर्स जो प्लांट से मिलते हैं, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, जैसे वूल हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, ये एनिमल से बनते हैं। और जो हम ह्यूमंस फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स। तीन तरह के फाइबर हैं बच्चे, पहला है प्लांट फाइबर, दूसरा है एनिमल फाइबर, तीसरा है सिंथेटिक। जैसे हम फैक्ट्रीज में नायलॉन वगैरह बनाते हैं, रेयन, पॉलिएस्टर, ये भी क्या होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपका स्टफ किस चीज़ से बना हुआ है उसकी क्वालिटी होती है अलग अलग की, ठीक है। हाँ जी, जैसे हम फर्स्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे वूल, वूल आप कब पहनते हो, विंटर्स में, ठीक है, विंटर्स में आप वूल पहनते हो, ठीक है जी। जो वूल आप पहनते हो वो एक फाइबर है, मिलती कहाँ से आपको, जैसे शीप हो गई, ठीक है, शीप एनिमल से मिलती है, शीप हो गई, गोट हो गई, याक हो गया, ठीक है, लैम, इन एनिमल्स से हमें क्या मिलती है, हम वूल फाइबर हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है, जिससे हम अपने वूलन क्लोथ्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से एनिमल्स हैं, शीप, गोट, याक, लैम, ठीक है, इन एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, वूल फाइबर मिलता है, ठीक है जी। मतलब इन पे क्या होता है बच्चे, आपने शीप देखी होगी, ठीक है, उसके बॉडी पे क्या होते हैं, काफ़ी सारे हेयर होते हैं, काफ़ी सारे हेयर होते हैं उसकी बॉडी में, ठीक है,
वही क्या होते हैं उसके वूल फाइबर होता है, ठीक है, मतलब क्या किया जाता है उसको उसके बालों को निकाल के उससे जो वूल फाइबर है वो तैयार करते हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है जी। जो उसके बॉडी पे हेयर है वो इतने ज़्यादा, मतलब उसकी कोई बता सकता है कि वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज? हाँ जी, उनकी बॉडी पे इतने सारे हेयर क्यों होते हैं? जैसे शीप हो गया, गॉट हो गई, ठीक है, इनकी बॉडी पे इतने सारे हेयर क्यों होते हैं पता है किसी को? रेज योर हैंड इफ एनीवन नोस। हाँ जी, बताएगा कोई? हाँ जी लक्ष्मीर, एक मिनट बच्चे। हाँ जी लक्ष्मीर, लक्ष्मीर हाँ जी, किसको पता है? हाँ जी, उनके बॉडी पे जो हेयर होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि देखो जो उन जो एयर है, ठीक है, हमारे जो भी अब हमारे एनवायरनमेंट में एयर है, एयर में से हम हीट पास नहीं कर सकते, ठीक है। एयर एक ऐसी चीज़ है जिससे ना तो हीट पास होती है, ठीक है, ना करंट पास होता है, मतलब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो उसके जो शीप है उसके हेयर में क्या होता है, जब एयर इकट्ठी हो जाती है, जब एयर इकट्ठी हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो उसके एयर जो हेयर है वो काफ़ी सारी एयर को ट्रैप कर लेंगे, बंद कर लेंगे, तो उसकी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, उसमें से हीट अगर एक बार इकट्ठी हो गई तो वो दोबारा बाहर नहीं जाएगी बॉडी से, ठीक है। तो इसीलिए विंटर्स में क्या होता है, जो शीप हैं उनको, हाँ जी लक्ष्मी, हाँ जी बच्चे, हैव यू एनी डाउट? मनो जी, देन लो योर हैंड। हाँ जी, तो उससे क्या होता है? हाँ जी, तो उससे क्या होता है उनकी बॉडी को, हम आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है बच्चे, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आप थोड़ा सा नेटवर्क में हो जाओ। हाँ जी, तो उससे क्या होता है उसकी बॉडी को, हम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, किसको नहीं मेरी आवाज आ रही, रेज योर हैंड। हाँ जी बच्चे, हाँ जी, तो उसकी बॉडी में जब उसके हेयर में एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है उसकी बॉडी से हीट बाहर नहीं जाती, ठीक है। एयर क्या है, हीट को बाहर पास नहीं होने देती उसके जो हेयर में जब एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो वार्म रहती है विंटर्स में भी, ठीक है, उसको ठंड नहीं लगती, इसीलिए उनके बॉडी में इतने सारे हेयर होते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखो जो वूल है, ठीक है, वो काफ़ी सारी क्वालिटीज़ की होती है, उसके जो हेयर हैं वो अलग अलग क्वालिटीज़ के होते हैं, उनका अलग अलग टेक्सचर होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा कर्ली होते हैं, ठीक है जी, कोई थोड़े से कर्ली होते हैं, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है कि जो आपकी शीप है जिससे आपने वूल लेनी है वो किस ब्रीड की है, ठीक है। हर अलग अलग, जैसे हमारे डॉग्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, ठीक है, और कौन कौन से पिटबुल हो गया, मतलब ये सारी क्या है, ब्रीड है। तो जो आपकी जो शीप है, ठीक है, वो भी अलग अलग ब्रीड्स की होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके जो वूल है वो, उसका जो हेयर का टेक्सचर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखो जो आपकी जो आप शीप से वूल ऑब्टेन करते हो वो होता क्या है, फ्लीस, उसको आप बोलते हो फ्लीस, ठीक है। हाँ जी, फ्लीस क्या होता है बच्चे, फ्लीस एक काफ़ी, मतलब स्किन के पास, बिल्कुल जो उसके बॉडी के, शीप की बॉडी के स्किन, बिल्कुल स्किन के पास जो हेयर होते हैं वो निकालते हैं हम वूल बनाने के लिए, ठीक है, वो बनाते हैं हम वूल बनाने के लिए, तो वो होती है उसकी फ्लीस, ठीक है।
हाँ जी, जो वूल फाइबर है, जो वूल का थ्रेड होता है उसमें प्रोटीन काफी सारा होता है। ठीक है, आपको पता है कि ये व्हाइट कलर के होते हैं जो उसका शीप का जो भी वूल है, ठीक है, या फिर ब्राउन और ग्रे भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपकी जो शीप है वो किस ब्रीड की है। ठीक है जी, मतलब जो आपकी ज़्यादातर आप वूल फाइबर बनाते हो वो ज़्यादातर शीप से बनाते हैं, वैसे गॉट या क्लैम से भी हम बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वूल है वो हम शीप की जो फ्लीस, फ्लीस मींस जो उसकी बिल्कुल स्किन के पास अंदर बिल्कुल, ठीक है, एक तो उसके ऊपर ऊपर होते हैं हेयर, एक बिल्कुल उसकी स्किन के पास ही होते हैं जो वूल बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो उन अब देखो नीचे हम पढ़ेंगे अलग अलग स्टेप कि कैसे कैसे उसके जो हेयर हैं वो रिमूव करते हैं, फिर उनके साथ क्या किया जाता है, ये हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, हाँ जी, अब देखो बच्चे यहाँ पे पहले इन्होंने बताया है कि जो स्किन हेयरी स्किन होती है शीप की, ठीक है, उस पे दो तरह के हेयर होते हैं। ठीक है, एक होते हैं उसके फाइन, फर्स्ट पॉइंट देखो, एक होता है उसका फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर दैट आर प्रेजेंट क्लोज टू द स्किन, जो बिल्कुल उसकी स्किन के पास, एक तो उसके ऊपर ऊपर होते हैं, ठीक है, हेयर मोटे सारे, ठीक है, एक होते हैं उसके बिल्कुल स्किन के पास अंदर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, फाइन मीन्स बहुत ही पतले। ठीक है, जो मोटे मोटे हैं वो तो करली से होते हैं, वो तो ऊपर ऊपर होते हैं उसकी बॉडी के, जो बिल्कुल स्किन के पास हैं वो होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, दूसरे होते हैं उसके द कोर्स बियर्ड हेयर, जो उसके ऊपर वाले जो आपको दिखाई देते हैं उसकी बॉडी पे, ठीक है, वाइट वाइट से करली से, ठीक है जी, वो होते हैं कोर्स बियर्ड हेयर। तो ये दो तरह के हेयर होते हैं, इन दोनों हेयर में से हम किससे वूल फैब्रिक वूल फाइबर बनाते हैं, फाइन सॉफ्ट हेयर, जो उसकी बिल्कुल स्किन के पास होते हैं, जो बिल्कुल पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, वो उसके अंदर जो ऊपर वाले हेयर होते हैं ना उसके अंदर नीचे तक होते हैं, ठीक है, वो हेयर निकालते हैं, वो हेयर से हम क्या बनाते हैं, वूल फाइबर। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखो इसके लिए क्या करते हैं, जो लोग शीप वगैरह, ठीक है, पालते हैं इस काम के लिए, वूल फाइबर बनाने के लिए, ठीक है, वो देख के कि कैसी ब्रीड है, कैसे मैंने वूल फाइबर बनाना है, ठीक है, किस टाइप का मैंने जो शीप है वो किस टाइप की ब्रीड रखनी है मैंने, ठीक है, तो इसको इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, शीप को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि इस टाइप की मुझे शीप चाहिए, मैंने इस टाइप का वूल फाइबर बनाना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रीड्स होती हैं शीप की। ठीक है, जैसे ब्रीड्स ऑफ शीप, जैसे बच्चे देखो अलग अलग तरह, जैसे हर एक से, जैसे आपके जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान हर एक स्टेट में अलग अलग ब्रीड्स पाई जाती हैं शीप की। ठीक है, जैसे ये टेबल बना हुआ है आपके पास, फर्स्ट जैसे हमारे डॉग्स की ब्रीड होती है ना, जर्मन शेफर्ड होता है, ठीक है, पिटबुल होता है, और आप जानते होंगे डॉग्स की कितनी जो ब्रीड्स होती हैं। ठीक है, वैसे ही शीप में जो ब्रीड पाई जाती है जो जम्मू एंड कश्मीर में होती है वो होती है बकरवाल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके वूलन के शॉल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं इसके जो हेयर से। ठीक है, सेकंड जो टाइप होती है वो होती है लोही, ये पंजाब एंड राजस्थान में मिलते हैं ये शीप। ठीक है, ये जो आपके स्वेटर्स वगैरह बनते हैं उसको बनाने के लिए इसकी जो हेयर है वो यूज़ करते हैं। एक होता है मारवाड़ी, ये गुजरात में होती है। ठीक है, ये सारी क्या है, पत्तनबड़ी, ये भी गुजरात में होती है, रामपुर बुशहर, ये पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान में ये शीप पाई जाती है। ठीक है, एक साइड बताया गया कि कौन सी टाइप की ये वूल बनाने के लिए इसके हेयर जो काम आते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, नीचे बच्चे देखो, अब आपको पता है कि जो शीप है उससे ज़्यादा हम, ज़्यादातर हम जो वूल है वो हम शीप से ही लेते हैं। ठीक है, शीप से भी लेते हैं और गॉड्स एंड याक के हेयर से भी हमें जो वूल फाइबर है वो मिलता है। ठीक है, जैसे जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं एंगोरा गॉड्स, एंगोरा गॉड्स, ये देखो जो पिक्चर बनी हुई है आपकी
साइड में पिक्चर देखो बच्चे, इसमें जो सी नंबर वाली पिक्चर है एंगोरा गॉट, ये ब्रीड है ठीक है, एक नस्ल है गॉट की, जिससे ये वूल ऑब्टेन करते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में होती है एंगोरा गॉट ठीक है, इससे हमें एंगोरा वूल मिलती है इसके हेयर से। और जैसे कश्मीरी गॉट होती है ठीक है, जो उसकी जो स्किन के पास वाले जो हेयर होते हैं ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, उससे पश्मीना शॉल्स, आपने सुना होगा मदर्स को पूछ के देखना कि पश्मीना जो स्टफ है कपड़ा है कैसा होता है ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो जो जितने भी कश्मीरी गॉट है ठीक है, उससे पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनके जो हेयर हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइन पतले होते हैं ठीक है। हाँ जी, और जैसे कैमल्स में जो कैमल्स के हेयर होते हैं उसकी, उससे भी हम वूल फाइबर बनाते हैं ठीक है। और साउथ अमेरिका में जैसे लामा एंड एल्पका, ये सारी जो पिक्चर्स बनी हुई हैं बच्चे, इनके हेयर से अलग अलग टाइप ऑफ जो वूल फाइबर है हम ऑब्टेन करते हैं ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप। अब देखो हमें पता चल गया है कि शीप से वूल मिलती है ठीक है, लेकिन वो बच्चे डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, इरेज इट। हाँ जी, अब देखो प्रोसेस क्या है ठीक है, कैसे कैसे क्या स्टेप्स होते हैं वूल बनाने के लिए ठीक है शीप से। हाँ जी, सबसे पहले देखो, पहले क्या किया जाता है, ये जैसे डेयरी फार्म्स होते हैं ना, जैसे कई लोग क्या करते हैं, बफलोज वगैरह काउज वगैरह काफ़ी सारे उनका शेड बनाते हैं ठीक है, उनको पालते हैं ठीक है, वहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं ठीक है जी। तो ऐसे ही शीप की भी रेयरिंग होती है, रेयरिंग मीन्स उनको पाला जाता है, उनका एक शेड बनाया जाता है ठीक है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है, किस लिए, ताकि उसको उसके जो हेयर हैं ठीक है उनको निकाल के उनसे वूल बनाई जाए ठीक है। तो शीप क्या की जाती है, पहले रेयर की जाती है ठीक है जी, उनको अच्छे से खाना खिलाते हैं ठीक है, अच्छे से जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा ठीक है, इस स्टेट्स में क्या किया जाता है, शीप को रेयर किया जाता है, पाला जाता है उनको ठीक है जी। तो उनको अच्छे से खिलाया जाता है, वो ग्रास खाती हैं ठीक है, क्योंकि शीप होते हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं, वो ग्रीन ग्रास खाती हैं, ग्रीन लीव्स खाती हैं, या फिर उनको मक्की वगैरह भी खिलाई जाती है ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे तरीके से उनका खाने पीने का ध्यान रखा जाता है ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, शीयरिंग ऑफ शीप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 6 स्टेप्स। हाँ जी, उसमें क्या होता है, जब पहले शीप को पाल लिया ठीक है, उसके बॉडी पे क्या आ गए, थिक हेयर आने लगते हैं ठीक है, उसकी बॉडी पे ग्रोथ होने लगती है हेयर की, वही हेयर को हम क्या करते हैं, रिमूव करके उनकी वूल बनाते हैं ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, शीयरिंग, सबसे जो पहला स्टेप है वो होता है शीयरिंग। शीयरिंग मतलब उन उसके जो बॉडी पे हेयर है उनको निकालना उसकी बॉडी से ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, शीप को एक वुडन के किसी बोर्ड पे खड़ा कर लेते हैं, उसके जो फ्लीस है, फ्लीस मींस जिससे वूल तैयार करनी है ठीक है, उसको निकाला जाता है, फ्लीस को किसके साथ, उसकी जो स्किन के पास पास जो हेयर होते हैं ना, थोड़े थोड़े स्किन भी साथ में निकल जाती है, शेव कर देते हैं अच्छे तरह से ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शीयरिंग। जैसे देखो बच्चे, यहाँ पे पिक्चर है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, एक लड़का क्या कर रहा है, जो शीप है उसके फ्लीस को निकाल रहा है, फ्लीस मीन्स जो उसके ऊपर हेयर थे मोटे मोटे ठीक है। साथ ही में बिल्कुल हमें तो वूल बनाने के लिए उसके जो स्किन के पास वाले हेयर हैं वो चाहिए ठीक है, वो भी क्या करते हैं, उसको भी रिमूव कर देते हैं, और ऊपर वाले जो हेयर हैं उसको भी रिमूव कर देते हैं ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, शीयरिंग ऑफ शीप मीन्स रिमूवल ऑफ फ्लीस ठीक है। फ्लीस मीन्स जो उसके मोटे मोटे हेयर होते हैं ना ऊपर,
उनके साथ साथ जो उसके स्किन के पास स्किन थोड़े थोड़े से स्किन की लेयर भी वो निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि उससे हमें वो हेयर मिल जाए जो फाइन एंड सॉफ्ट है, जिससे हमने वूल फाइबर तैयार करना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गई हमारी शेयरिंग। हाँ जी, उसके बाद सेकंड क्या होता है, स्काउरिंग। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास शेयरिंग, सेकंड स्टेप होता है स्काउरिंग, ठीक है, सेकंड स्टेप होता है स्काउरिंग। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास शेयरिंग, सेकंड है अब स्काउरिंग, ठीक है। सेकंड में बच्चे क्या होता है, हाँ जी, सेकंड स्टेप में वो क्या करते हैं, जो उन्होंने पहले शेयर स्किन निकाली थी, ठीक है, जो उन्होंने मोटे मोटे ऊपर से उसके हेयर निकाले थे और साथ ही में थोड़ी सी स्किन की लेयर भी निकाली थी, ठीक है, उसको वॉश किया जाता है टैंक्स में, वॉश किया जाता है टैंक्स में। हाँ जी साहिजप्रीत सिंह, हाँ जी बच्चे, बच्चे शेयरिंग में क्या होता है, देखो शेयरिंग में मींस उसके ऊपर, देखो मैंने आपको बताया कि जो शेप है, ठीक है, उसके दो तरह के हेयर होते हैं, एक तो ऊपर जो आपके दिखाई देते हैं मोटे मोटे से, ठीक है, और जिससे हमने वूल बनानी होती है, वूल फाइबर तैयार करना होता है, वो उसके बिल्कुल स्किन के पास होते हैं अंदर, ठीक है, एक तो ऊपर उसके हो गए, एक बिल्कुल उसकी स्किन के पास ही होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो हमने निकालने होते हैं, ठीक है। उनको निकालने के लिए पहले वो क्या करते हैं, जो उसकी पूरी ऊपर वाली जो मोटे मोटे हेयर होते हैं, ठीक है, उनको निकाल देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उसकी थोड़ी स्किन की लेयर को भी निकाल देते हैं, क्योंकि हमें कौन से हेयर चाहिए जो स्किन के पास होते हैं, बिल्कुल स्किन के अंदर, ठीक है। तो उन हेयर को ऑब्टेन करने के लिए उसकी थोड़ी सी स्किन की लेयर को भी निकाल देते हैं और ऊपर वाली जो फ्लीस मोटी, ठीक है, मोटी कोट होती है हेयर की, वो भी निकाल देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में यही होता है रिमूवल ऑफ हेयर शेयरिंग में, ठीक है जी। हाँ जी, उसके बाद है बच्चे स्काउरिंग। स्काउरिंग मीन्स जो हमने हेयर निकाले उनको वॉश करना, ठीक है, क्योंकि उन पे डर्ट वगैरह लगी होती है, ठीक है, वो गंदे होते हैं, डस्ट वगैरह लगी होती है, तो उनको साफ करने के लिए हम स्काउरिंग स्टेप करते हैं, ठीक है। स्काउरिंग में बस यही होता है कि जो हेयर निकाले हैं उनको वॉश करना, ठीक है जी। टैंक्स वगैरह में करते हैं, अब पहले टैंक्स में करते थे, लेकिन अभी बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह आ गई हैं, ठीक है, मशीन्स में काफ़ी सारी मशीन्स, बड़ी मशीन होती है, उसमें इकट्ठे करके हेयर को उनको वॉश कर देती है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है बच्चे थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्काउरिंग हो गई, आपने वॉश कर दिया हेयर को, उसके बाद हेयर को अलग अलग निकाला जाता है, ठीक है, मतलब कि कौन से सॉफ्ट हैं हेयर उनको अलग कर दिया जाता है, वो मशीन्स करती हैं, ठीक है, कौन से सॉफ्ट हैं हेयर, कौन से हार्ड हैं, कौन से मोटे हैं, कौन से पतले हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट किया जाता है, ठीक है जी। थर्ड स्टेप में यही काम होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, द स्मॉल सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड फज आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर। अब देखो हमें चाहिए सॉफ्ट हेयर, ठीक है, फाइबर बनाने के लिए, तो वहाँ से क्या किया जाता है, जो स्मॉल सॉफ्ट होते हैं फाइबर्स उनको बाकी हेयर से अलग कर दिया जाता है, ठीक है, और दोबारा से उनको फिर वॉश किया जाता है और फिर उनको ड्राई कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, फिफ्थ स्टेप में जैसे देखो वैसे तो जो गोट एंड शीप है उनके जो हेयर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, जो आपने वो जो हेयर निकालते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग कलर्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि इसमें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम उनके हेयर को अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है, किस कलर का आपको वूल चाहिए, ठीक है, तो उनको डाई किया जाता है। सिक्स में क्या होता है, उसके बाद जैसे देखो सिक्स स्टेप में ये देखो बच्चे ऊपर जो ब्लैक कलर के जो हेयर हैं, ठीक है, इनको डाई कर दिया, उसके बाद इनको क्या किया जाता है, एक
मशीन के बीच में पास किया जाता है, वो इनको स्ट्रेट कर देती है। वैसे तो कर्ली हेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको स्ट्रेट करने के लिए इनको एक मशीन में से पास किया जाता है, जिसको हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्डिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्डिंग करना। कार्डिंग मीन्स मशीन में डाल के इन्होंने स्ट्रेट करना है अब हेयर को, तो स्ट्रेट करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कार्डिंग। ठीक है, ये वाली है। ये जो प्रोसेस इस मशीन में क्या हो रहा है, स्ट्रेट किया जा रहा है हेयर। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, फिर उनको एक मशीन और होती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है बच्चे, जो आपने हेयर स्ट्रेट किए, अब उनको सीधा भी तो करना है, जैसे आप अपने हेयर कॉम करते हो, ठीक है, वैसे ही इनकी भी कॉम होती है, इनको भी कॉम किया जाता है। ठीक है, फिर इनको बड़े बड़े, जैसे आप शॉप्स से लेके आते हो ना, वो बने होते हैं, ठीक है, गोल रोल किया जाता है, ठीक है, कॉम करके फिर इनको इस मशीन में रोल बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, इनकी रोल बन जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसको मार्केट में क्या करते हैं, हमारे लिए अवेलेबल होते हैं ये। बस यही बच्चे, ऐसे जो आपकी वूल है, ठीक है, वो फाइबर तैयार हो जाता है। फिर आप उसके बाद क्या करते हो, वूल को जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनको स्वेटर बनाने में आप यूज़ करते हो। ठीक है, जो छोटे होते हैं आप उनको छोटे कपड़े, वूलन क्लोथ्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनको बनाने में आप यूज़ करते हो। ठीक है जी, तो ये होता है बच्चे आपका वूल कैसे आप बनाते हो। ठीक है जी, सबसे पहले क्या होता है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग में क्या होता है, उनके हेयर को रिमूव किया जाता है उनकी बॉडी से। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस होती है स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या होता है, उनके जो आपने हेयर रिमूव किए स्किन से, उनको वॉश किया जाता है ताकि वो साफ हो जाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, उन जो आपने वॉश किए हेयर, फिर उनको अलग अलग टेक्सचर के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है कि मोटे पतले, ठीक है, सॉफ्ट हार्ड, ऐसे अलग अलग रखा जाता है उनके हेयर को। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जो सॉफ्ट, हमें तो सॉफ्ट चाहिए, ठीक है, हेयर, तो सॉफ्ट हेयर को अलग कर दिया जाता है, ठीक है, बाकी हेयर से। उसके बाद उनको दोबारा से वॉश करके ड्राई कर दिया जाता है। ड्राई करने के बाद अब देखो अलग अलग कलर्स में उनको डाई किया जाता है। ठीक है, डाई करने के बाद उनकी कार्डिंग होती है। कार्डिंग मतलब उनको स्ट्रेट किया जाता है एक मशीन में से पास करके। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होता है, उनको कॉम करना होता है, मतलब वो अच्छे से कॉम होके उनको रोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्पिनिंग। ठीक है, तो ऐसे जो लॉन्ग फाइबर्स हैं, जो लंबे थ्रेड होते हैं, उनको स्वेटर्स बनाने में, ठीक है, तो जो शॉर्ट होते हैं उनको छोटे छोटे कोई और वूलन क्लोथ्स बनाने में यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है, और हाँ जी, जैसे बच्चे जो जब उसके हेयर को रिमूव करते हैं स्किन से, तो वहाँ उसकी स्किन में, ठीक है, एक ऑयल प्रेजेंट होता है। शीप की स्किन में एक ऑयल प्रेजेंट होता है। जब वो हेयर को रिमूव करते हैं तो उनके साथ एक ऑयल बाहर निकलता है, उस ऑयल का नाम है लैनोलिन। ठीक है, उस ऑयल का नाम है बच्चे लैनोलिन। देखो ये साइड पे है लैनोलिन, लैनोलिन। ठीक है, लैनोलिन उसकी बॉडी से निकलता है जब आप उसके हेयर को रिमूव करते हो। ठीक है, ये भी क्या किया जाता है, जब वॉश करते हैं, ठीक है, तो उनके हेयर से ये भी अलग कर दिया जाता है। उसके बाद ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये ऑयल। ठीक है, कॉस्मेटिक मीन्स जहाँ पे मेकअप का सामान बनता है, उसमें, उस इंडस्ट्रीज़ में ये ऑयल यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, एक और दूसरा पॉइंट है, जो ज़्यादातर जो शीप की शोल्डर्स होते हैं, ठीक है, शोल्डर्स होते हैं, या फिर उसके साइड्स एंड द साइड्स ऑफ द शीप, मतलब एक तो उसके शोल्डर्स हो गए, ठीक है, और उसकी जो साइड्स, पेट की साइड्स हैं,
उनमें ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की जो वूल है वो हमें मिलती है, ठीक है। ज़्यादा अगर आपने बेस्ट क्वालिटी की निकालनी है, ठीक है, आपके जो वूल का फाइबर है बेस्ट क्वालिटी का कहाँ मिलता है, उसके शोल्डर के पास और उसके साइड्स ऑफ द शीप होती है, जो उससे हमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल मिलती है, ठीक है। तो बच्चे ये आपका वूल था, वूल की प्रोसेसिंग थी कि कैसे हम वूल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सिल्क फाइबर है जो, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, सिल्क कहाँ से मिलता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अगर किसी को डाउट है देन रेज योर हैंड इफ यू वांट आस्क एनी क्वेश्चन। हाँ जी, अगर किसी ने कुछ पूछना है बच्चे रेज योर हैंड। हाँ जी, हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है बच्चे? हाँ जी, परनीत कौर। हाँ जी, क्लियर है सबको ये चैप्टर? सॉफ्ट सॉफ्ट से जो आपके स्वेटर में होते हैं ना बुर। हाँ जी, किसने पूछा है बच्चे क्वेश्चन? मैम। हाँ जी मैम, जो थर्ड पॉइंट ना था मैम, वो रिपीट कर दो प्लीज। कौन सा बच्चे? मैम जो आप पहले समझा रहे थे वो, जो प्रोडक्शन ऑफ वूल में थर्ड पॉइंट। मैम यस, मैम यस। इसमें बच्चे देखो, जब हेयर वॉश किया जाता है बाद उनको जैसे बड़े छोटे ऐसे अलग अलग कर दिया जाता है, कौन सा बड़ा है हेयर, ठीक है, कौन सा छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है, सॉफ्ट हार्ड हेयर देख के उनको सेपरेट कर दिया जाता है, कॉल आउट करके उनको अलग अलग रख देते हैं, ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी, सबको मैम दो। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? अरमान जो बच्चे आप अभी एडमिट हो रहे हो क्लास में, कंप्लीट कर लेना, ठीक है, आज उससे मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको ग्रुप में डाल दूंगी। फर्स्ट चैप्टर आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मैम जी पेजन जाते मैम, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के तो आपने डाल दिए थे क्वेश्चन, मैंने बदल दिया उसको, हमने डाल दिए थे बच्चे आपको। मैम यस, मैम सेकंड चैप्टर की मैम यस डाल दिए, खराब कर दूंगा बदल बदल। मैम काम मैम अभी करना है, कुछ भी डालने आज मैम। ओके जी, ठीक है, हम डाले नहीं है वो तो करना मार देंगे भाई यही। हां जी, ओके। ओके बच्चे, यू मे लीव नाउ। ओके मैम। ओके जी, बाय।
बाय मैम बाय मैम